स्थिति का सूत्र है वृद्धि रेज वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेज इसके पहले आप लोगों ने दीर्घ संधि गुण संधि और यल संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। इसकी परिभाषा है यदि अ या आ के बाद यदि यदि अ या आ के बाद यदि अ या आ के बाद ए या आता है तो दोनों मिलकर इसी परिभाषा है यदि अ या आ के बाद ए या अ आता है तो दोनों मिलकर के तथा अ या आ के बाद ओ या अ आता है तो अ हो जाता है। अ हो जाता है जैसे तब यहाँ पे इसकी संधि क्या हो गई सदैव। इसी तरह से है तथा धन एव तथा धन एव तो तथा आ धन एव बराबर क्या हो गया आय हो गया। तो यहाँ पे क्या रूप बना इसका तथैव। इसी तरह से है कन्या धन ओदनम कन्या धन ये तो ऐसा हो गया उदाहरण कन्या धन ओदनम कन्या धन ओदनम तो अब यहां पे क्या हो जाएगा कन्या में आ है और यहां पे क्या है ओ
महामन औषधि। अब यहां पे क्या है, आ है, महा का आ हो गया, औषधि का अ हो गया। अब यहां पे इसकी परिभाषा यही है कि आया के बाद कोई आ आता है तो अ हो जाएगा, तो क्या हो गया यहां पे, अ हो जाएगा। इसका रूप बनेगा महौषधि। महामन औषधि का संधि हो गया महौषधि, ये आपकी वृद्धि संधि हो गई। चौथी संधि, पांचवी संधि है अयादि संधि। पांचवी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो एवायाव, एचो ए वा या एचो एवा याव, इसका सूत्र हो गया एचो एवा याव। इसकी परिभाषा है यदि ए एम ओ के बाद, यदि ए ए ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए कोई भी स्वर आता है, चाहे समान हो चाहे वह असमान हो, यदि ए ए ओ औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो कोई भी स्वर आता है तो एक ही स्थान पर है एक ही स्थान पर है
के बाद यदि ए है ओ औ के बाद समाप्त हो गए।